वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कैश आलम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक्सेल में नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं इसमें एडवांस लेवल में, जहाँ पर हम 1000 सेपरेटर्स, टेक्स्ट का कैसे यूज़ किया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज़ किया जाता है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग जो है, आपको नंबर फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पे इसका शॉर्टकट कीज जो है कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है दोस्तों, या कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये शॉर्टकट कीज़ है जिसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हो इसको। ठीक है, तो कुछ करेक्टर्स होते हैं लास्ट टाइम हमने सीखा था, ज़ीरो करेक्टर्स कैसे यूज़ किया जाता है, हैश करेक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो होता है वो, ठीक है, एट द रेट जो होता है टेक्स्ट के लिए होता है। ठीक है, डॉट जो होता है डेसिमल प्लेसेस के लिए होता है, और जो कोमा जो होता है 1000 सेपरेटर के लिए होता है, बैकवर्ड स्लैश ठीक है ये यूज होता है, और इसके अलावा डबल कोट्स, कोटेशन मार्क ठीक है, परसेंटेज, फॉरवर्ड स्लैश, अंडरस्कोर, एस्टेरिका, और ठीक है, इन सब के बारे में हम सीखने वाले कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जनरली हम सबसे पहले हम 1000 सेपरेटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे हमने 5000 लिख रखा है, ठीक है, 500, 5000, 5 लाख, 50000, 5 लाख, ठीक है, 5 करोड़, ठीक है। तो ये जैसे मेरे नंबर्स है, ठीक है, अब इनकी फॉर्मेटिंग मुझे करनी है जैसे 1000 सेपरेटर में। ठीक है, तो 1000 सेपरेटर में आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाइए, आप यहाँ पे आप हैश जो होता है 1000 सेपरेटर होता है, ठीक है, हैश को यूज़ कीजिए, 1000 सेपरेटर जो कोमा होता है उसके ज़रिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो ये नंबर होगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग जो होता है जैसे 5, 2 या 2 लाख 6 लाख ये जो भी होता है, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में पहले हैश यूज़ करते हैं, ठीक है, देन कोमा, ठीक है, तो उसके बाद 3 टाइम हैश। अगर आप पॉइंट में देना चाहते हो तो .00 डाल सकते हो डेसिमल पॉइंट में, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यदि यानी कि 5000 यानी कि 1000 से कम हुआ तो वो पॉइंटों में जिससे दिखा दे, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसको एंटर करते हैं, तो आप ये ठीक है ये देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये यदि आप पॉइंट में नहीं चाहते हो तो सिंपली आप इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको हटा दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 सेपरेटर हो गए। ठीक है, इसके ज़रिए आप 1000 सेपरेटर को यूज़ कर सकते हो, यानी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। अब जैसे ये आपने ये देखा है, जैसे ये आपने, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इतना लंबा ना दिखे, जैसे होता है ना बहुत बहुत बार ये होता है यानी कि 5000 इतना लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमें पता नहीं चलेगा कि कितना लिखा हुआ है। ठीक है,
तो जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इनको यानी कि पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। कुछ भी लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये है जैसे मेरे पास, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये है ना लाखों में दिखे, या थाउजेंड में, या मिलियन में, ठीक है। यदि मैं इसको थाउजेंड में दिखाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद कस्टम फॉर्मेट में, हैश डालते हैं, ठीक है, डॉट ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि हमें ज़ीरो के बाद दिखाना है। यदि आप नहीं दिखाओगे तो यानी कि उससे लेस होगा तो वो शो नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या कीजिए आप, कोमा डालिए, स्पेस देके बैकवर्ड स्लैश डालकर और के डाल दीजिए, के होता है थाउजेंड के लिए और एम होता है मिलियन के लिए, एंटर कीजिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये थाउजेंड में हो चुके हैं। आप यानी कि 2000 लिखोगे तो टू के दिखाएगा, ठीक है। 3000 लिखोगे, 30000, तो 330 के दिखाएगा। अब इसी को यदि आप मिलियन में दिखाना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे हमें सिंगल कोमा डालते, डबल कोमा डाल के स्पेस दीजिए, देन उसके बाद बैकवर्ड स्लैश और एम एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब मिलियन में हो गया, ठीक है। तो यदि 2 मिलियन डालते हैं, ठीक है, तो ये देखिए 2 मिलियन डाले के बाद 2 मिलियन ओनली दिख रहा है। तो इससे ये काफ़ी इजी हो जाता है, यानी कि कोई भी आपने आपका डेटा जो है अब यहाँ पे आप देखो उतना ही है। यदि आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो उस पर, ठीक है। और लेकिन जो विजुअल है वो बहुत ही ईजी हो जाता है यानी कि पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यदि आप किसी के पास यानी कि कुछ ऐसा हो यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो जो एक्सेल पे ही है और किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो वहाँ पे इसका बेनिफिट हो जाता है कि हाँ वहाँ पे जो जिसके सामने भी प्रेजेंट कर उनको यानी कि पढ़ने में काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने जैसे देखा होगा 28 ठीक है, 28 डिग्री यानी कि जो जो सेंट वो होता है क्या कहते हैं, जो टेम्परेचर होता है या तो वो फ़ारेनहाइट में होता है या डिग्री में होता, सेल्सियस में होता है, ठीक है। तो यदि आप उसको दिखाना चाहते हो तो एक जो उसका जो जो ठीक है, ये यदि आप दिखाना चाहते हो सेल्सियस, ठीक है, ये कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ तो ये फ़िलहाल अभी टेक्स्ट में है तो इसको कैसे डालना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, जैसे 28, 29, 23, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट में जाइए आप, ठीक है, यहाँ पे हैश डालिए, ठीक है। जो इसका जो शॉर्टकट कीज जो होता है, कोटेशन मार्क में डाल देते हैं, जो आपने ये भी मैंने दिखाया है, ऑल्ट के साथ 0176, ठीक है, वो डालोगे तो ऑटोमेटिकली जो सिंबल है जो जीरो बन के यानी फ़ारेनहाइट या डिग्री का वो
सिंबल होता है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप सेल्सियस में करना चाहते हो, सी सी डालिए डबल कोट, ठीक है, एंटर कर दीजिए। देखिए, ठीक है, तो अभी इस यानी कि डिग्री में जो टेम्परेचर दिखाना चाहते हो आप उसका वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट कीज़ है ऑल्ट प्लस ऑल्ट के साथ आप 0176 प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये आप ही कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मेरे पास, जैसे आप मेरे पास ये देखते हो डॉट टू लिखा हुआ है, डॉट नाइन लिखा हुआ है, यदि मैं इसको जैसे अब आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा 1/2, 1/2, 1/3, 4, तो उसको यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करें, तो हमें सिंपली क्या करना है, नंबर्स में जाना है, कस्टम नंबर्स में यहाँ पे जाके क्या करना है, ठीक है, पहले हैश डालिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, उसके बाद हैश डिवाइडेड बाय हैश, ठीक है, एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो इसके जरिए यानी कि आप 20 लोग हो गए। ठीक है, यदि कोई डेसिमल में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसके जरिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने लास्ट ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि यानी कि पॉजिटिव नंबर जो हमारे इसमें कुछ 4 पैरामीटर्स होते हैं जब, ठीक है, फोर नंबर यानी कि 4 तरह के करेक्टर नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और इसके बाद टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमारे पास हमने कोई नंबर्स लिख रखा है, ठीक है, 1 -1 -2 -9। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर है वो ठीक रहे, जो यदि कोई नेगेटिव नंबर है तो वो डबल यानी कि ब्रैकेट के अंदर आए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, फर्स्ट के लिए तो टेक्स्ट यानी कि नंबर्स के लिए सिंपल हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेमी कॉलम को डाल के अब नेगेटिव नंबर हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो इसके अंदर डाल के हैश ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो अब देखिए जो भी नेगेटिव नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे हमने 10, 20, 30 कुछ नंबर डाल दिए, यदि हम चाहते हैं कि 30 से ऊपर हो ग्रीन, 30 से ऊपर हो तो ग्रीन हो और 30 से नीचे हो तो रेड हो। ठीक है, तो हमारे एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड कलर्स है। ठीक है, कस्टम फॉर्मेटिंग हम बस वो ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यदि आप लिखना चाहते हो सिंपल में ब्लैक, ग्रीन, वाइट, ब्लू, मेजेंटा, येलो, साइन और रेड। ठीक है, तो हम फिलहाल हमें तो 2 कलर चाहिए, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे रेड, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, लेस देन 10 नहीं, लेस देन 30 हमें करना है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेस देन 30
ठीक है, तो इसमें जा रही लेस देन 30 क्लोज, ठीक है। उसके बाद कोमा ग्रेटर देन ग्रीन ग्रीन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ग्रेटर देन इक्वल 30 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंटर करते। ठीक है, तो अभी देखिए 10 डाला 50 ठीक है, तो जैसे यानी कि 30 से नीचे होगा वो रेड में, बाकी ग्रीन में, ठीक है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो है, जैसे हमने जैसे वन डॉट, जैसे हमारा कोई नंबर लिखा वन, उसके बाद हम डैश 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 ऐसा चाहते हैं, या वन अंडरस्कोर ऐसा ऐसा लिखा हुआ आना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने वन डाला या कुछ नंबर, जैसे यही ले लेते हैं, सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग डाली, जैसे कोई भी फॉर्मेट ये है, हम तो ये डाल दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टार, ठीक है, यूज़ करना है। उसके बाद जो भी आप करेक्टर डालोगे, यदि स्पेस डालोगे तो वो स्पेस करेक्टर रिपीट होगा, जो उन सभी करेक्टर में, यानी कि डैश डाल रहा हूँ तो वो डैश करेक्टर को रिपीट करेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, हमें ये कॉलम को अप एंड डाउन कैसे कितना भी कर दूँगा, छोटा होगा छोटा, बड़ा करूँगा बड़ा, तो वो डैश रिपीट होता जाएगा कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यदि इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा जो डेट फॉर्मेटिंग है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप इसके जो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और इसके अलावा कुछ और जो इसमें रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तो यदि आपको इस ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।